Dear students, today I am going to start a new chapter which is very essential for competitive exam like SSC, LDC, UDC and other interviews. These are similar words, confused words. Similar word means jiska ek hi word ka kai word ho और जिसका प्रयोग अलग अलग स्थानों में किया जाना हो, ऐसे वर्ड को सिमिलर वर्ड कहते हैं, जो हिंदी में हम पर्यायवाची के रूप से जानते हैं। ये चीज ग्रामेटिकल रूल से अलग है। अब जैसे मान लीजिए हम अभी लाफ का दे रहे हैं, लाफ का चार पांच वर्ड्स अलग अलग हैं, जहां पर होना चाहिए गुफा वहां पर दे देगा स्माइल, आपको कहेगा कि इसके बदले कोई नियरेस्ट वर्ड लिखिए। तो इस जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक तो है नहीं, वर्ड का मिस्टेक है। ये जानने के लिए हमें इसकी ओर ध्यान देना पड़ता है। और आज रूल के बीच में लिखाने का मतलब यह है कि अगर हम एक साथ रूल खत्म होने के बाद, अर्थात ये खत्म तो होगा नहीं लेकिन फिर भी इसके बाद यदि हम देते हैं तो कई हजारों वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे और याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन दिखेगा। लेकिन अगर बीच बीच में ये देते जाते हैं 10-5 करके तो आराम से याद भी हो जाएगा, हम प्रयोग भी कर लेंगे और हमारे दिमाग में सेट भी हो जाएगा। इसलिए हम आज ये निर्णय किए हैं कि इस प्रकार के वर्ड जो ग्राम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, खास करके SSC, LDC, UDC सबके लिए, तो ये हम आज शुरू कर रहे हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुने, देखें। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसे अपने अपने फ़ोन पर सब्सक्राइब जरूर कर लें और सुने, अंत तक सुने, इसे लाभ होगा। और साथ ही इसमें तो पैसे तो लगते नहीं हैं, इसलिए इसको थोड़ा अटेंटिवली हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। Now I am going to start. सबसे पहले लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, लेकिन इसके जो नियरेस्ट वर्ड है स्माइल, मुस्कुराना। अब मुस्कुराना का हम क्या प्रयोग करेंगे? तो when we check a child under its chin, it smiles. यानी जब मैं बच्चे के टुडी के नीचे चेक करता हूं, चुनता हूं, तो बच्चा मुस्कुराता है। यहां मुस्कुराना होगा, यहां टीटर तो नहीं दे सके, लाफ तो नहीं दे सकते हैं। इस तरह से हमको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट चकल। चकल का मतलब होता है मुखमंडल पर हंसी झलकना, आवाज नहीं होना। हम किसी के मुख को देख करके पहचान जाते हैं ये खुश है आज, तो हम वहां पर चकल का प्रयोग करेंगे। चकल के से मतलब व्यवहारिक में देखिए, आप तो बहुत खुश लगते हो भाई, क्या बात है, आप तुम्हारे चेहरे पर हंसी झलक रहा है। तो यहां पर इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, आई चकल एट द जॉर्जियस ड्रेस ऑफ द ओल्ड मैन। नेक्स्ट है गिगल, बेशर्मी के साथ हंसना। जब हम किसी ऐसे लड़कों को या लड़कियों को देखते हैं जो अपने बुजुर्ग माँ बाप या सीनियर को बिना देखे या उसकी बिना परवाह किए हंसते रहते हैं, तो अधिक हंसना हम बेशर्मी के हंसी कहते हैं। इस तरह बेशर्मी का हंसना होता है गिगल। When I entered the room, I saw the girls were giggling. जैसे मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैंने देखा कि बच्चे लड़कियों लोग बेशर्मी के साथ हंस रही थी। टीटर, खिलखिला करके हंसना। रावण जैसे हंसता है, जैसे हम लोग जोक करते हैं हा 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 करके, तो ये हुआ टिटर। पीपल टिटर्ड व्हेन दे सॉ द एक्शन ऑफ महमूद। जब फिल्म में जैसे ही महमूद आता है और कोई एक्शन करता है तो लोग खिलखिला करके हंस देते हैं। गुफा, कहा लगाना। व्हेन द बॉय सॉ ए पप Neatly sitting on the chair, they guffawed. बच्चों ने किसी कुत्ते के बच्चे को
कुर्सी पर बैठा हुआ देखा, बच्चा कहकहा लगाने लगा। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है, अलग अलग मीनिंग होता है और अलग अलग उसका प्रयोग होता है। ये प्रयोग हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये 5-6 वर्ड को याद करना एक देखते देखते बहुत आसान है। अगर हम एक साथ 150 करके दे दूं इकट्ठा तो थोड़ा मुश्किल लगता है, भारी दिखने में आता है, ऐसा धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब हम दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वीक। वीक का मतलब होता है रोना, लेकिन रोना कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्राई। क्राई जब होता है तब हम जोर से रोते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो रोते हैं उसको क्राई कहते हैं, और बड़े बड़े जो रोते हैं उसको क्या कहते हैं, वीक। तो वीक हुआ कम जोर से रोना। ही wept for joy, जब खुशी से जो लोग होता है तो सिर्फ हम अनुभव करते हैं, आंसू गिरता है लेकिन आवाज नहीं होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम लिखेंगे वीक, लेकिन जब आवाज करके कोई रोता है तब हम करते हैं क्राई। जैसे द चिल्ड्रन वर क्राइंग। वे का मतलब होता है ऊंचे स्वर में रोना, जैसे औरतों लोग जो जब ससुराल जाती है तब, या मेरे में कोई लड़की या कोई अपना रिलेटिव मिल जाते हैं तो औरतें जो गले लगकर के रोती हैं। हाँ, वेन के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, वेमेन वेयर वेलिंग व्हेन हर डॉटर वाज गोइंग टू मैरिज प्लेस, या व्हेन सी मेट हर रिलेटिव्स इन द फेयर। आई कैन से लाइक दिस। शॉब, शिशकना, सुबकना। बच्चे को जब हम डांटते हैं, मारते हैं और अधिक रोने लगता है तो रोते रोते अंत में सिर्फ सुबकने का आवाज होता है, तो उसको कहते हैं रोना नहीं बल्कि सुबकना। वहां पर हम शॉब का प्रयोग करेंगे, SOB। आई डोंट नो व्हाई द बॉय वॉज शॉबिंग, मैं नहीं जानता कि बच्चे या लड़का क्यों सुबक रहा है, क्यों शिशक रहा है। नेक्स्ट ग्रोन। ग्रोन होता है जो शारीरिक कष्ट होता है, और शारीरिक कष्ट से जब रोते हैं तब उसको कहते हैं ग्रोन। जैसे हम कह सकते हैं द ओल्ड मैन हैड बैड पेन, ही वॉज ग्रोनिंग। आई एम groaning because I have a headache, मैंने शरीर में कष्ट है इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है, रोते हैं हम मन ही मन। और मौन होता है मानसिक कष्ट से रोना, जब कोई पुत्र किसी गलत संगत में पड़ जाता है तो पिता रोता है लेकिन रोते हुए देखता लोग नहीं है, मानसिक रूप से खिन्न रहता है, दुखी रहता है, इसको कहते हैं मौन। द फादर मौन्स टू फील हिज सन फेल इन ए बैड कंपनी। वी ऑल्सो मौन व्हेन वी सी दैट आवर एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर इज गोइंग इन बैड कंपनी। आई कैन फॉरबिड हिम बट आई फील मोर्निंग। दिस टाइप ऑफ वर्ड इज यूज इन मिसिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स और करेक्शन। सपोज कीजिए कहीं पर जहां होना चाहिए वे, वहां कर दिए क्राई, तो ये गलत होगा। क्राई होता है जब हम किसी चोट लगता है या कष्ट होता है किसी के मारने से डांटने से, तब होता है क्राई। लेकिन अब हम ये देखें जब कोई अपने रिलेटिव मिलता है किसी को कहीं पर मेला में या किसी अनजान स्थान पर में, या जब ससुराल जाती रहती है पुत्री, तो माँ और अन्य औरतें रोती हैं, तो यहाँ आधी खुशी ससुराल जा रही है तो बिछुड़ने के गम में रोते हैं, तो इसको चोट से रोना तो नहीं कहेंगे, इसलिए यहां पर होगा वेल क्राई नहीं। इस तरह से जहां पर होना चाहिए मौन वहां पर दे देगा ग्रोन,
जहां पर होना चाहिए ग्रोन वहां पर दे देगा मौन, जहां पर होना चाहिए शोक वहां पर दे देगा क्राई। तो इस बात को देखने की जरूरत है। और सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो करके वर्ड का मिस्टेक होता है, ये निश्चित रूप से एसएससी, एलडीसी, यूडीसी और अन्य एग्जाम में होते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसकी प्रैक्टिस करना है। मात्र हम ध्यान दिए हैं कि 5-7 अगर वर्ड हम दे देते हैं बीच बीच में तो आसानी से याद हो, जब तक देखेंगे याद हो जाएगा, दूसरी बार देखेंगे याद हो जाएगा, लेकिन जब इकट्ठा एक साथ देना शुरू कर देंगे तो भारी दिखाई देगा। इसलिए हम ये हल्का करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये बीच बीच में हम देना प्रारंभ किया है।